हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर देखा, रिंग स्ट्रक्चर देखा। आज हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का रिंग देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज पिछले लेक्चर को यदि आप याद करिए तो ग्लूकोज क्या था? एल्डो हेक्सोज था, जिसके तीसरे नंबर पे ओ एच और एच का पोजीशन चेंज था। तो हेक्सोज कितने कार्बन? 6 कार्बन। पहले नंबर पे एल्डिहाइड, बाकी पे हाइड्रोक्सी, तीसरे पे पोजीशन चेंज है ओ एच और एच का। और फिर हाइड्रोजन की मदद से इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड पूरा कर देना है। ये स्ट्रक्चर में है, पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब काउंटिंग करिए, आज हम लोग इसका रिंग सीख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक उसी तरीके से जैसे राइबोज का रिंग बनाए थे, इसका भी रिंग बनाएंगे। यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ का हाइड्रोक्सी जो है उसका ये हाइड्रोजन जो है ये अलग होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से जाके अटैच होगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा। और रिंग जो बनेगा वो कैसा है? दोनों उंगलियों पे आपकी नजर हो, सबसे पहले ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। इस ऑक्सीजन से कौन कनेक्ट है? ये फर्स्ट नंबर कार्बन कनेक्ट हुआ है। इस ऑक्सीजन से कौन सा कार्बन कनेक्ट हुआ? फर्स्ट कार्बन, कार्बन वन। और इस फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच, हाइड्रोजन अटैच पहले से, और ये OH जाके अटैच हुआ फर्स्ट नंबर कार्बन से। डबल बॉन्ड तो यहां से हट गया, सिंगल बॉन्ड रह गया। इस सिंगल बॉन्ड से एक OH, ये OH कौन सा है? तो ऑक्सीजन यहां वाला और हाइड्रोजन यहां से जुड़ गया OH। अब इस फर्स्ट कार्बन से फिर क्या अटैच है? सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन जो लेफ्ट में है उसको कहां लिखे? ऊपर। और जो राइट में है उसको कहां लिखे? नीचे। सेकेंड कार्बन से जो अटैच है फिर क्या? थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन का जो लेफ्ट में OH है वो कहां जाएगा? ऊपर। और राइट में जो हाइड्रोजन है वो नीचे। फिर थर्ड कार्बन से क्या अटैच है? फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन का हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी। फोर्थ कार्बन किससे अटैच है? फिफ्थ कार्बन से। और जरा देखिए ये फिफ्थ कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन से अटैच है। ये ऑक्सीजन यहां पहले लिखा था, फिफ्थ कार्बन से ऑक्सीजन से अटैच है। और फिफ्थ कार्बन से फिर क्या है अटैच है? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये। और फिर छठा नंबर कार्बन विथ टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी, यानी सी एच टू, दो हाइड्रोजन एच टू ओ एच। तो फिफ्थ कार्बन से अटैच है सिक्स कार्बन का सी एच टू ओ एच, ये सिक्स कार्बन। क्वेश्चन आएगा आप को कि इस ग्लूकोज के रिंग में कितने कार्बन है? तो रिंग में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। रिंग के बाहर कितने कार्बन? एक कार्बन। कितना नंबर कार्बन? 6 कार्बन जो है वो रिंग के बाहर। तो हर एक बार इतना कॉम्प्लेक्स बनाना मुश्किल है, इसको सिंप्लीफाई करते एक हेक्सागन बना। हेक्सागन में 6 कॉर्नर है। अपर राइट साइड वाले कॉर्नर में ये ऑक्सीजन रखा और बाकी सारे कॉर्नर्स कार्बन को इंडिकेट करेगा। अब ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक, 5 ही कार्बन रिंग में थे और छठा रिंग से बाहर है। अब इस फर्स्ट नंबर कार्बन से अटैच है एच ओ एच, सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच है एच ओ एच, थर्ड नंबर कार्बन से अटैच है, जरा देखो यहां ऑरिएंटेशन चेंज है, ओ एच ऊपर और एच नीचे। फोर्थ नंबर ओ एच एच, फिफ्थ का ये एच और ये सी एच टू ओ एच, सिक्स्थ नंबर।
अब जरा आप ध्यान दीजिए, ये चेंजिंग इसको आपको ग्लूकोज में तीसरे नंबर पे OH और H का चेंज रहता है। ये मैं आपको आपको पीछे के लेक्चर में डिटेल समझाया था कि क्या होता है। अब दूसरा एक और मैं बनाता हूं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और जरा महीन अंतर इस दोनों के बीच है, इस महीन अंतर को आपको ढूंढना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए और दोनों में अंतर बताइए। तो आपको अंतर दिखेगा कि यहां पहले नंबर पे OH जो है वो नीचे है, और यहां पहले नंबर पे OH ऊपर। तो पहले नंबर जिसमें OH नीचे है इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और जिसे OH ऊपर है इसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। अब ये अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है कि अभी जब हम लोग आगे, अब याद करिए पहला लेक्चर कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने बांटा था मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में जब आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन बताऊंगा तो बताऊंगा कि वो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, और जब बताऊंगा सेलुलोज तो बताऊंगा बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो ये स्ट्रक्चर जब हमको याद रहेगा तो हम लोग इसका पॉलीमर आसानी से बना पाएंगे, इसलिए आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और फिर हम लोग फ्रुक्टोज का रिंग बनाएंगे। हम लोग फ्रुक्टोज का रिंग बनाना सीखेंगे। तो जो है वो क्या है, कीटो हेक्सोज। स्ट्रेट चेन यदि देखें सेकेंड नंबर पे कीटो, बाकी पे हाइड्रोक्सी, तीसरे नंबर पे पोजीशन चेंज रहेगा। ये स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन कैसे बनता है ये पीछे के लेक्चर्स को आप देखिएगा, ये सारा कुछ बताया हुआ है। स्ट्रेट चेन काउंटिंग करिएगा 1 2 3 4 5 6, सब कुछ वैसा ही पिछले रिंग की तरह। डबल बॉन्ड यहां से हटेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये हाइड्रोक्सी का हाइड्रोजन अलग हुआ, इसे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये नेगेटिव जो है ये इस कार्बन से जाके अटैच होगा, ये ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा। अब जरा आप रिंग देखिएगा, ये ऑक्सीजन को सबसे पहले ऑक्सीजन से अटैच है कार्बन नंबर टू अटैच है, इस ऑक्सीजन से ये कार्बन नंबर टू अटैच हुआ। अब कार्बन नंबर टू से क्या अटैच है जरा ध्यान दो, कार्बन नंबर वन विथ H2 दो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी,
यानी CH2OH कार्बन नंबर वन। ठीक, अब इस कार्बन नंबर टू से दूसरा ये हाइड्रोक्सी अटैच है, कार्बन नंबर टू से ये हाइड्रोक्सी अटैच है, फिर कार्बन नंबर टू से ही तीसरा नंबर कार्बन अटैच है, तीसरा नंबर कार्बन जो है उससे ये OH अटैच है और ये H अटैच है। तीसरे नंबर कार्बन से ये OH अटैच है और ये H अटैच है, तीसरे नंबर कार्बन से फिर चौथा नंबर कार्बन अटैच है, फोर्थ नंबर कार्बन, अब फोर्थ का फिर एच जो लेफ्ट में है ऊपर, राइट में जो है वो नीचे, फोर्थ से फिर ये फिफ्थ कार्बन अटैच है। अब फिफ्थ कार्बन आप देखिए कि इस ऑक्सीजन से अटैच है, जो ऑक्सीजन पहले लिख चुके थे, फिफ्थ कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है और इसी फिफ्थ कार्बन से ये हाइड्रोजन और ये सी सिक्स नंबर कार्बन CH2OH अटैच है सिक्स नंबर कार्बन से। तो फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि फ्रुक्टोज के रिंग में कितने कार्बन है, आप काउंट करिए 1 2 3 4, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा और पांचवा नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, चार। रिंग में ग्लूकोज जो पीछे बनाया उसके रिंग में कितने कार्बन थे, पांच, रिंग से बाहर एक कार्बन था, लेकिन यहां रिंग से बाहर दो कार्बन है, कौन कौन सा, पहला नंबर और छठा नंबर। अब ध्यान से देखिए इसको, फिर सिंप्लीफाई करके बनाते हैं, तो एक पेंटागन बनाएंगे जैसा राइबोज में बनाते थे, टॉप पे एक ऑक्सीजन रखेंगे CH2OH OH OH H H OH H CH2OH, काउंटिंग करिएगा आप 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया फ्रुक्टोज। और ऐसा जो रिंग है, इस रिंग को कहते हैं लोग फ्यूरान रिंग, और पीछे ग्लूकोज में जो रिंग यूज हो रहा था पायरान रिंग, फ्रुक्टोफ्यूरानोज, और ग्लूकोज के केस में कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, स्ट्रक्चर को आप देखिए, कॉपी करिए।